नाज़रीन, आज हम पेश है आमना सामना मीडिया नेटवर्क की जानिब से मिसाली शख्सियत प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब नावेद हमीद साहब के साथ। भाई साहब, आप ये बताइए कि देश में किस तरह के हालात चल रहे हैं, अभी जो सरकार है इनके मतलब सरकार का पूरा एजेंडा इस मुल्क के अंदर, सरकार में शामिल कुछ लोगों का एजेंडा इस मुल्क के अंदर, और सरकार के जो हमनवा हैं और जो उनके सरपरस्त हैं उनका एजेंडा इस मुल्क के अंदर सिविल वॉर कराने का है। पूरे मुल्क के बाशिंदों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इनका एजेंडा कामयाब हुआ तो मुल्क बचेगा नहीं। मुल्क को बचाने के लिए पुरमन अंदाज के अंदर हमें लामबंद होने की ज़रूरत है। देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि मखसूस किस्म मतलब मखसूस कौमों को एक टारगेट किया गया जा रहा है, गौ रक्षकों द्वारा मतलब मुसलमान और दलितों पे जो जुल्म हो रहे हैं, अब तक कम से कम 22 मौतें हो चुकी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2014 से अब तक 52 मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, 52, और मैंने जैसे कहा कि इनका मकसद सोसाइटी को बांटना है, आपस में तसादुम कराना है, दलितों को और मुसलमानों को और महरूम तबकों को जिसमें आदिवासी भी हैं उनको पैगाम देना है कि हमारे वर्चस्व को मानना होगा। हमें इनको ये बताना है कि दस्तूर को हम मानेंगे, डराने धमकाने के इनके पूरे एजेंडे को हम इनकार करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सख्त दौर है, इसलिए इस सख्त दौर के अंदर बड़ी होशमंदी के साथ पुरमन अंदाज में हमें लामबंद होगा और महरूम तबकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक सियासी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह से नीतीश कुमार को बिहार में एक सेकुलर माना जाता था, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार हमेशा से, मैं उनको पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ, बहुत मुफाद परस्त सियासतदान है। उनके सामने सिर्फ कुर्सी रहती है। आरजेडी को जो स्प्लिट कराया था वो तारीख हमें याद है, और ये तो बहाना था जो उन्होंने तेजस्वी का लिया। उनके कहने में और उनके अमल में बहुत तजाद है। लेकिन नावेद साहब, मुस्लिम और दलित वोट बैंक में तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है ना? पॉलिटिक्स सब होता है, ये सबक है हम सब के लिए कि आंख बंद करके हम किसी पे एतमाद ना करें। ये हमें सब पॉलिटिकल सूझबूझ और फहम जो है उसी को तो हमें पैदा करना है, उसी की तो तरबियत देनी है। तो सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर कोई भी आएगा और हम उसको आंख बंद करके वोट दे देंगे बगैर ठोके परखे, बगैर उसकी तारीख जाने और बगैर उसका माजी जाने, ये सब उसके लिए एक हमें वार्निंग। मुशावरत की जानिब से आप मुस्लिम जो हमारे नौजवान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बरादराने वतन से अपने ताल्लुकात बनाइए। हमारे नाकेदीन, हमारे मुखालिफ, हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि हमारे और बरादराने वतन के दरमियान खलीज पैदा हो जाए, और हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हम दूसरे अख्वाम जो हैं और जो बरादराने वतन हैं उनके साथ हमारे गहरे रवाबित जो हों वो इनके एजेंडे को डिफीट करेगा। तो इसलिए आइए मेल और मोहब्बत का माहौल जो है उसके लिए काम करें। नावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।